गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सी एल सी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सी एल सी सीकर। तो आज हम जो ईएमआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसको अपन कह रहे हैं डायनेमिक ईएमआई यानी गतिज विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको पहले समझें कि किस तरह से क्या होता है। तो जैसे मान लो कि जैसे पहले अपने इसकी हेडिंग लिख दें, तो हेडिंग हमारी है गतिज विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमिक ईएमआई, जैसे मान लो ये कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। इसमें हमने क्या किया, कोई एक छड़ ले ली, मान लो ये कोई छड़ है, चालक छड़, अचालक नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार का जो डायनेमिक ईएमआई पढ़ रहे हैं, ये चालक छड़ में ही पॉसिबल है, अचालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें संभव नहीं होगा। तो मान लो ये चालक छड़ है, ये पर रेस्ट में है और इसको हम लोग v वेग से गति करवाना चाहें, तो जब इसको हम v वेग से गति करवाएंगे तो इनिशियली क्या होगा कि जब इस छड़ को अपन v वेग से गति करवाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स छड़ के v वेग से दाएं तरफ गति करने पर या गति करवाने पर इसके इलेक्ट्रॉन्स भी दाएं तरफ गति करेंगे इनिशियली। अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल की दिशा अपन ज्ञात करते हैं तो रूल कितने होते हैं, कौन से होते हैं, चुंबकीय बल से ज्ञात करने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसमें हथेली वाला नियम हमारे लिए इजी होता है, जिसमें बी की तरफ अंगुलियां हैं। हमेशा मैं क्या कहता हूं आप लोगों को कि बी की तरफ अंगुलियां नीचे फिक्स कर दो, उसके बाद अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा में अपन करते हैं, तो ये बल जो हथेली का तल का लंब है नॉर्मल, वो चुंबकीय बल की दिशा से बढ़ता है। तो अब देखो यहां बी तो नीचे है ना, और धारा की दिशा में, अब इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान सुनना, अगर वी वेग से छड़े से गति कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स भी साथ चलेंगे, तो धारा उसकी उल्टा होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपन यूज कर रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहले तो इस तरफ गति करेगा ना, तो धारा इस तरफ हो गई, तो हम बी तो फिक्स कर रखा है मैंने, अब अंगूठा धारा की तरफ है, धारा इस तरफ हुई ना, धारा इस तरफ आ गई, तो चुंबकीय बल लगा नीचे, तो चुंबकीय बल यहां नीचे तरफ लगता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये नीचे आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएगा और इस पे जो बल है चुंबकीय बल वो है कितना, अगर मान लो बी, आपने बी लगा रखा है, तो इस पे चुंबकीय बल जो है वो है कितना, देखो एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस वी अपन पढ़ते हैं, क्यू कितना है माइनस का वन ई वी क्रॉस बी, और वैसे देखो वी बी वी इस तरफ है, बी नीचे है ना, और क्यू कैसा है माइनस का है, तो अपन बस जानते हैं वी क्रॉस बी किस तरफ आया, वी तो इस तरफ है, वी क्रॉस बी, बी नीचे है, तो वी क्रॉस बी अपन ऐसा करें देखो, और चार्ज के माइनस होने पे नीचे फोर्स आ गया, तो वी क्रॉस बी से नीचे बल जो है वो है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, यदि उसका आपको मैग्नीट्यूड पूछूं ना आपसे, मैं तो एफ एम का वो तो ओनली कितना ई बी बी हो गया, क्योंकि वी और बी आपस में किस एंगल पे 90 पर हैं, वी और बी आपस में 90 पे, वी तो इस तरफ है, बी नीचे ना, 90 पे हो गया, तो वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा आएगा, साइन 90 हो गया, और ये है इसका तो ई बी। अब देखो ई कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है, बी तो चुंबकीय बल तो निश्चित है, फिक्स है, यदि इसको अपन एक समान चाल से गति करवाते रहेंगे ना, तो इसका चुंबकीय बल तो अधिकतम है और वो कांस्टेंट है, पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से इस तरफ आएंगे, तो यहां इस वाले भाग में, यदि इसको अपन कह दें पी भाग, इसको अपन कह दें मान लो क्यू भाग, तो पी तो कैसा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नीचे आने से यहां तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, इसलिए मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि यहां तो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और यहां चार्ज कैसा आ गया, प्लस आ गया। अब नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल तो लो गया ना, इसको अपन बोलेंगे लो पोटेंशियल, और ये कैसा हो गया आपका, हाई पोटेंशियल।
अब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो करंट कैसे आएगी इस तरफ, जो तात्क्षणिक धारा दो फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स यहां आए ना उल्टा बोल दिया हम लोगों ने, तभी मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो यहां तो हो गया नेगेटिव और इसको अपन क्या बोलेंगे लो पोटेंशियल, और यहां पे कैसा हो गया प्लस, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, समझे। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन सब नीचे आ रहे हैं तो करंट कैसे ऊपर की तरफ है, तो करंट कैसे लो पोटेंशियल से हाई की तरफ होती है। यहां एक बात और ध्यान सुन लो कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है प्रेरित धारा, वो यहां पे किस तरफ है लो पोटेंशियल जो सिरा है से हाई पोटेंशियल सिरे की तरफ है, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। और इसकी दिशा जो ज्ञात करेंगे हम लोग, इसकी दिशा ज्ञात करने के जो नियम है, वो है नियम दो। कौन कौन से हैं, जैसे एक तो आप कहते हैं आपको धारा निकालनी है तो रूल आप याद करो जो अपने क्लासों में पढ़े थे पहले, बल निकालना हो तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और दायां हाथ की हथेली का नियम। आपको इंड्यूस करंट निकालनी है तो हम जो बात कर रहे थे उसको आगे करते हैं स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा था कि छड़ को अपन गति करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे चुंबक के बल लगना शुरू हो जाएगा, बल किस तरफ नीचे तरफ होगा और बल कैसा होगा नियत होगा। अब ये बल तो नियत है पर उससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे जितनी छड़ को अपन गति करवाएंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स यहां आते जाएंगे, उतना यहां का पोटेंशियल प्लस वाला बढ़ेगा और इसका नेगेटिव है वो नेगेटिव में घटेगा। इसका मतलब P और जो Q है इनके बीच का विभवांतर है वो क्या बढ़ेगा लगातार। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इसका पी ए प्लस बढ़ेगा माइनस उतना ही कम होगा, तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने पे क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, वो है आपका प्लस से माइनस की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग गया, देखो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर उत्पन्न हो रहा है ये तो जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन थी, अब इसी तरफ प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है ना, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ रहा है तो उससे अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, विद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा। और वो क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ई, और वहां अपन जानते हैं एफ बराबर क्यू ई में यदि आवेश प्लस का हो, आवेश कैसा हो प्लस का हो तो बल किस तरफ लगता है ई की तरफ, आवेश माइनस का हो तो बल किस तरफ होता है ई, बल किस तरफ होता है ई के अपोजिट। तो यहां आवेश नेगेटिव है तो ई तो नीचे बल लगा ऊपर की तरफ, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपोज करना शुरू कर देगा, तो ऊपर की तरफ आपका एक चुंबक के बल लगना शुरू हो गया। देखो ऊपर की तरफ चुंबक के सॉरी ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ये वेरिएबल है, ये तो कॉन्स्टेंट है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो देखो फिक्स है हमारे पास, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वो तो फिक्स है, इस रूप में देखो तो हमारे पास कितना ई बी बी है, ये तो कांस्टेंट है, पर एफ ही तो कितना क्यू इंटू ई होता है यानी ई इंटू ई हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो मैंने कहा कि ये माइनस और ये प्लस से कांस्टेंट नहीं है, तो टी जीरो के बाद में समय के साथ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ये वाला फोर्स बढ़ेगा और इस फोर्स की जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आपका ई इंटू ई है। अब ये ई वेरिएबल है, ये बढ़ता जाएगा उतना ही अपोज बढ़ जाएगा, और जिस समय दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे उस समय क्या होगा कि इस छड़ के नियत वेग से गति करवाने पर अब ये P और Q सिरे अपने अधिकतम और ये न्यूनतम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ये मैक्सिमम हाई पर आ जाएगा, ये न्यूनतम नेगेटिव पे आ जाएगा, उस समय छड़ गति करती रहेगी तो ये छड़ एक काल्पनिक सेल के रूप में बिहेव करेगी, ठीक है। अब जब ये छड़ काल्पनिक सेल के रूप बिहेव करेगी उस समय क्या होगा, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो साम्यावस्था इसकी आएगी उस साम्यावस्था में इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स जो आपका है वो जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स यहां पे है दो बल यहां पे, इसको इसी के साथ लिख दूं तो एक तो आपका एफ एम है प्लस कौन सा आपका है एफ ई, एक तरह से लॉरेंस बल आ गया। अब ये दोनों से अपन सॉल्व करें, इनके जो बेसिक फॉर्मूले अपन ने काम में लेने हो मान लो तो अपन क्या लिखें, देखो इसमें ये जैसे इसको एफ एम तो कितना हुआ क्यू V क्रॉस B, और ये अगर इसको अपन आगे ले जाएं या इसको इधर ले आएं दोनों का सम जीरो है तो एफ एम इक्वल टू कितना हो गया माइनस का
हो गया ना ऐसे, तो अगर उसको मैं इस तरफ ले आता हूं तो माइनस का बन जाएगा, या इसको करो तो माइनस, और ये कितना क्यू इंटू ई वैक्टर, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास यहां जो अंदर ई बन रहा है समय अवस्था में उसका वैल्यू कितना है मेरे पास, वी क्रॉस बी है, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। अब माइनस को आप हटाना चाहते हो ना, तो आप इसको बी क्रॉस वी बी लिख सकते हो, क्रॉस गुणा की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर इतना अपन लिखेंगे। अब देखो इस छड़ में जो समय अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कैसा इस पी से क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका परिमाण अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई वह जो विभवांतर होता है ना में संबंध अपन जो पढ़ते हैं, वो संबंध वैसे आपको पता हो तो डेल्टा वी अगर लिख दो उसको, तो माइनस का समाकलन ई डॉट कर दूं डीएल, ई डॉट डीएल। अच्छा जी, अगर ई समरूप हो, यहां ई जो है वो कौन सा आपका ई है, वो नियत है, समरूप भी है, तो ई के समरूप होने पर ई को अपन यहां से बाहर ले सकते हैं, तो देखो माइनस ऑफ ई और ये समाकलन डीएल डॉट गुणा के साथ में है, बात सही है। अब इस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का वी क्रॉस बी है ना, तो अगर इस ई की वैल्यू को यहां पुट कर दो मैं, और माइनस वी क्रॉस बी को अपन यहां काम में ले लें, तो ई माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो देखो डेल्टा वी जो है इसको भी अपन कैसे जानेंगे, ये एक तरह से पी पॉइंट और जो क्यू पॉइंट है इनके वोल्टेज का डिफरेंस ही है, तो आप इसको चाहे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कर दो, चाहे इसको कर दो वीपी माइनस का वी क्यू कर दो, ये दोनों ही क्या है, ये आपका देखो यहां इसमें वैल्यू पुट करता हूं ई का, तो माइनस पहले से पड़ा है माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डॉट समाकलन डीएल, समाकलन डीएल। अब ये समाकलन डीएल यहां पे क्या है, ये एक तरह से जो अपने पास छड़ है, इस छड़ के इस सिरे से और इस सिरे तक जो भी इसके दो फ्री सिरे हैं उन सिरों के बीच का एक तरह से विस्थापन, जैसे तो वेक्टर फॉर्म है नहीं, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं देखो कि VP माइनस का VQ, या इसको अपन EMF कह रहे हैं E, वो हमारे पास आ गया देखो V क्रॉस B डॉट L। यहां जो L मैंने यूज किया देखो समाकलन DL जिसको मैंने L लिखा है, ये क्या है, ये है तार के जो दोनों स्वतंत्र सिरे हैं, दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच विस्थापन सदिश है, तार के दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच विस्थापन सदिश है, यह हमारे पास एल आ जाएगा। अब देखो यहां से पूरा खेल अपने को समझना है, अब जो ये हमारे पास छड़ थी इसको अपन एक समान वेग से गति करवाएंगे, तो इसके दोनों सिरों के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो हमारे पास कितना वी क्रॉस बी डॉट एल है, बात सही है। अब एक्चुअली बीच में क्या था, जैसे जो अपन पीछे बात शुरू कर रहे थे, बीच में क्या बॉस की मीटिंग आ गई थी तो हम वहां चले गए थे और पीछे से बोर्ड को साफ कर दिया, इसलिए वो कंटिन्यूटी, वहां थोड़ी सी ब्रेक अगर आपको लगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसमें कंटिन्यू कर लो, देखो ना, तो मेरे पास ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब यहां से अपने को जो बात करनी थी, तो इससे पहले शायद अपन एक बात पढ़ रहे थे, इंड्यूस जो करंट यहां पे होती है उसकी दिशा अपन कैसे निकालते थे, शायद मैं वहां तक पहुंच गया था ना, तो वहां मैंने कहा था कि दो आपके रूल होते हैं इंड्यूस करंट निकालने की, दिशा के दो रूल हैं, दिशा में एक तो रूल कौन सा आता है, जिसे अपन कहते हैं चुंबकीय बल का बाया हाथ का नियम, और ये भी आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको निकालना है इसमें इंड्यूस्ड करंट के लिए, तो वहां पे अपन कहते हैं फ्लेमिंग का तो दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ की हथेली का नियम, बाएं हाथ की हथेली का नियम, इसमें एफ बी आई, आई अपन निकालेंगे तो एफ गति की तरफ, ये बी की तरफ, बी फिक्स कर लेंगे, इसको रूल को अपन काम में लेते हैं नहीं है, हमारे पास रूल ये वाला काम आएगा इंड्यूस करंट की दिशा ज्ञात करने का, चालक छड़ में अपन इसको काम में लेंगे, तो काफी सारे किस्से बाद में अपन डिस्कस करेंगे। यहां चुंबकीय बल की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, सिंपल सुन लो, हमारे पास जो रूल थे शायद अपन ने पीछे लिखे थे या नहीं लिखे थे उसमें अपन पता नहीं करें, तो इसको भी अपन अब चलो लिख लेते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु है कि इसमें जो प्रेरित धारा है ना,
प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम अगर उस पर अपन चर्चा करेंगे तो दो रूल है देखो, एक तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जिसमें है एफ बी आई, तो जो अपना राइट हैंड का रूल है उसमें अपन अंगूठा गति की दिशा में, चालक की गति दिशा में, ये प्रथम अंगुली है बी की दिशा में, तो मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को शो करती है। ये जो अंगूठा थंब जो है, थंब अंगूठा है वो एक तरह से बल का मतलब गति की दिशा में, और ये जो प्रथम अंगुली है फर्स्ट फिंगर है वो बी की दिशा में, तो जो आपकी मध्यमा जो है नहीं इंडिक, ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या करेगी, ये इंड्यूस करण की दिशा को दर्शाएगी। पर इसको अपने काम में लेना नहीं, बहुत कम काम लेना है। दूसरा लिए जो रूल आपका है वो है राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। उसमें क्या है, जो अपनी फिंगर्स है ना, अंगुलियां हैं, उनको बी की तरफ कर लो सबसे पहले और उसको पकड़ लो। ये काम कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि हथेली का जो तल है, हथेली का तल ये चालक की गति की दिशा में, चालक गति की दिशा में ये बी की तरफ कर लिया, जो नॉर्मल है वो चालक गति दिशा में कर लिया। तो अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा थंब जो अब यहां होगा, इस केस में जो थंब अंगूठा है, थंब यहां पर क्या करेगा, ये प्रेरित धारा की दिशा को शो करेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो अंगूठा जिस तरफ भी होगा वो हाई पोटेंशियल एंड, जो उच्च व्यूह का सिरा होता है, हाई पोटेंशियल एंड को भी दर्शाता है, हाई पोटेंशियल एंड को भी दर्शाता है। ये अपने रूल मेनली आ जाएंगे। जैसे इसको अगर अपन यही काम में ले गए तो देखो, यहां आप समझ सकते हैं कि बी तो नीचे है ना, तो पहले तो सिंपल है कि इंड्यूस करंट निकालने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए नियम क्या है, धारा, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, धारा आते ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और राइट हैंड पाम रूल, यानी दाएं हाथ की, बाएं हाथ की हथेली का नियम। तो बी तो नीचे फिक्स कर लिया, बी नीचे फिक्स कर लिया। अब हमारे पास अंगूठा और ये दो चीजें बची, जिसमें जो हथेली का तल है वो हमेशा गति की दिशा में, यानी इस तरफ होना चाहिए। अब इसको ऐसे करूंगा तो अंगूठा अपने आप ऊपर है ना, तो अंगूठा क्या शो करता है, हाई पोटेंशियल एंड को शो करता है, अंगूठा यहां पे उच्च व्यूह के सिरे को शो करेगा। तो इसको बना लेंगे अपन, तो धारा कैसे आएगी, धारा इसमें है क्यू से पी की तरफ एंड लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, ये तो करेंगे, और भी अपन इक्वेशंस बाद में एक ही साथ कलेक्शन के रूप में करेंगे। तो यहां तक कोई बात ऐसे नहीं है जिसमें अपन कोई विशेष ध्यान देवें, पहला पॉइंट आपका आ गया। अब जो फॉर्मूला हमने बनाया है इस पे हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से आप देख लो, अब सिर्फ अपन बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। तो समझे भाई, पहला पॉइंट है डायरेक्शन का हो जाएगा, दूसरे में यह है देखो, यदि जो आपको दे रखा है ना, यदि जो अपना ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके गुणधर्म का अपन उपयोग करें, तो एक तो यहां फिक्स ये ध्यान कर लो अच्छे से, जैसे अपने पास जो त्रिगुणनफल होता है ना, त्रिगुणनफल, यदि उसकी प्रॉपर्टी को अपन यूज करें, तो हमने यहां लिखा है E बराबर V क्रॉस B डॉट M, सही है। तो इसमें प्रॉपर्टी अपन यूज करें तो देखो, इसको अपन और कैसे इसको अपन लिख सकते हैं, जिस सीक्वेंस में सीक्वेंस फिक्स है, क्रॉस गुण आ गया, क्रॉस गुणा आ गया, तो इसको अपन बी क्रॉस बी लिखें, बी क्रॉस बी अपन नहीं कर पाएंगे, बी क्रॉस बी करेंगे तो माइनस आ जाएगा,
डॉट के साथ तो कोई दिक्कत, इस एल को तो आप पीछे लिख सकते हो यहां पर कि एल डॉट वी क्रॉस भी आप कर सकते हो, पर इसको अपन दाएं बाएं इसी हालत में नहीं कर पाएंगे। तो मान लो अब जैसे ऑर्डर से नहीं है, जैसे ऑर्डर है आपने देखा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो थर्ड है, इसी को बेस मान लो, तो इसी ऑर्डर से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म लिख दो। ऐसे यहां लिखा आपने वी, ये कर दिया आपने मान लो बी, ये हो गया एल। अब इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो ई हमारे पास है उसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं अपन। यदि ई आपको लिखना हो, आपने वी से स्टार्ट किया ना, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डॉट एल। यदि आपको इससे स्टार्ट करना हो तो आप यहां से आगे चलेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बी क्रॉस उसके बाद में कौन है एल, डॉट वी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यदि आपने एल से स्टार्ट किया है तो एल क्रॉस वी आ जाएगा डॉट बी। तो इस तरह से भी इनको अपन लिख सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं इंपॉर्टेंट रूप में, तो ये भी आप समझ गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, जैसे मान लो अपन देखें तो इनमें से कोई दो सदिश, यहां देखो यदि V और B परस्पर समांतर हैं या B और L आपस में समांतर हैं और L और V समांतर हैं, जब समांतर होंगे तो इनका क्रॉस गुणा कितना, जीरो आ जाएगा ना, वो तीनों ही सही है। तो यहां इसमें ये बात आई अब कि यदि दो सदिश जो भी अपन लिख रहे हैं ये परस्पर परस्पर समांतर हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कितना, जीरो होगा। कोई भी दो सदिश जैसे V समांतर है B के, या मान लो B समांतर है किसके L के, या L समांतर है किसके V के, कोई भी दो सदिश आपस में समांतर हैं तो इन तीनों ही केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत धारा, सॉरी प्रेरित जो आपका विद्युत चुंबक के प्रेरण से ईएमएफ बनता है वो कितना, जीरो आएगा। दो कोई भी सदिश हो तो, अब ये क्वेश्चन में हमेशा काम में लेना पड़ेगी बात आपको। फोर्थ पॉइंट देखो कि तीनों सदिश मान लो समतलीय हैं, तीनों आपस में कैसे समतलीय हैं, तो तीनों के समतलीय होने पर भी आप देखोगे समतलीय होने, मान लो जैसे तीन वेक्टर आ गए, ये मान लो v वेक्टर है, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने l मान लिया, v b l तीनों समतलीय, कैसे भी कहीं मान लो इसको आप। अब देखो अगर मान लो अपन चेक करें तो v क्रॉस b, सबसे पहले आपको तो v क्रॉस b देखना पड़ेगा ना, तो v क्रॉस b है, तो अगर v क्रॉस b करता हूं तो v क्रॉस b तो ऊपर आ गया ना, तो ध्यान दें मैं डॉट के रूप में यहां पर शो कर रहा हूं, किसको, ये शो कर रहा हूं v क्रॉस b को। अब v क्रॉस b तो ऊपर की तरफ आ गया, देखें आप ये तो है v क्रॉस b, है ना, और ये कौन सा l, अब v क्रॉस b तो तल के लंबवत ऊपर आ गया और L इस तरह, तो कोण कितना 90 डिग्री का हो गया ना। अब हमको V क्रॉस B को L के साथ करना है डॉट गुणा, तो आपको मालूम है दो 90 पे हो गए, तो 90 पे होने पे दो सदिशों का डॉट गुणा cos 90 के रूप में आता है, तो जीरो आ गया ना। इसलिए तीनों सदिश समतलीय हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, हमेशा जीरो आएगा। तो पांचवे पॉइंट देखो कि दो सदिश परस्पर लंबवत, या इसको अपन ऐसे कह दें कि दो सदिश परस्पर थीटा कोण पर, वह शेष दो दो सदिश परस्पर थीटा कोण पर, वह तीसरा, तो तीसरा बच गया ना, तीसरा इन दोनों के, इन दोनों के लंबवत है तो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, उसको अपन चेक करें। देखो तो मान लो ये मैंने वी मान लिया, ये मैंने बी मान लिया साहब, और इनके बीच कोण थीटा है, सही है, ये वी क्रॉस बी आ गया। अब ये वी क्रॉस बी है, मेरी शर्त क्या, देखो कि दो सदिश परस्पर थीटा कोण पर है, तो मैंने वी और बी को मान लिया, और तीसरा इन दोनों के 90 पे है, इसका मतलब है कि L को यहां मानना पड़ेगा। तो मैं पहले अगर L को यहां शो कर दूं, ये L डॉट के रूप में तल के लंबवत बाहर की तरफ या नीचे तरफ, ये कौन सा L है, ये जो डॉट के रूप में यहां शो कर रहा हूं,
ये एल है तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब देखो वी क्रॉस भी है ना, हम इसका वी क्रॉस भी करेंगे, तो इसका वी क्रॉस भी हम लोग करेंगे। तो वी क्रॉस जो बी आपको दिख रहा है, तो वी क्रॉस बी वो भी बाहर की तरफ आएगा, यानी यदि वी क्रॉस बी को भी यहां शो किया जाए वो भी डॉट के रूप में आएगा, तो ये आ गया वी क्रॉस बी। अब समझो एल भी ऊपर की तरफ है, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, तो एल और वी क्रॉस बी दोनों के बीच यहां पर, और इसका भी देखो वी क्रॉस बी में आप देखें तो वी क्रॉस बी का थीटा कोण होने पर इसका जो परिमाण हम निकालेंगे वी क्रॉस बी का वो कितना है, वी बी साइन थीटा है, वी बी साइन थीटा है। तो वी बी साइन थीटा आपका वी क्रॉस बी का परिमाण हो गया, एल का परिमाण तो एल ही हो गया। अब दोनों समान दिशा में है और दो सदिश समान दिशा में, उनका डॉट गुणा करना हो तो ओनली उनकी जो संख्या है उनको गुणा करना पड़ता है ना, तो इसलिए इन दोनों का गुणा करेंगे, इसमें वी बी साइन थीटा और एल का, और एल का मोड कितना है, एल ही है। इसलिए जो अपन यहां इसका इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, देखो वी बी साइन थीटा इंटू एल, तो वी बी एल साइन थीटा आ जाएगा। यहां थीटा है क्या, थीटा एक्चुअली आप देखो अभी फिलहाल जो अपन ने यूज किया वो किस तरह से है, वी और बी के बीच का कोण है। अब वही प्रॉपर्टी तो हम सब में काम में ले सकते हैं, बी और एल थीटा कोण पे हो, एल वी उसके 90 पे हो, एल और बी प्लस थीटा कोण पे हो, बी इसके 90 पे हो, तो भी सारे के सारे इसके अपन वैल्यू लिखेंगे, तो वी बी एल साइन, वी बी एल साइन, वी बी एल साइन तो आएगा, तो सबके लिए वैलिड है। तो ये भी एक बात आपको समझ में आ जाएगी। अब अपन लेते हैं पॉइंट नंबर 6 देखो, तो पॉइंट 6 में अपन ये बात लेते हैं अब कि जैसे अगर हम मान लो जो L था उस L को अपन एक बंद लूप बना दें। अभी सारे क्वेश्चंस में सब बातें काम में लेनी है भाई। अच्छा चलो पहले इससे एक बार और आओ कि इस थीटा को अपन बढ़ा के 90 कर दें, इसका मतलब V, B, L सब 90 पे हो गए, यानी यदि V, B और L तीनों परस्पर इस संबंध को फॉलो करते हों, तीनों आपस में 90 पे हों, जैसे ये मान लो V है, ठीक है, इस तरफ अपन B मान लें और इसके ठीक 90 पर डॉट के रूप में ये आपका L है, तो V क्रॉस B खुद ऊपर की तरफ आ गया ना, V क्रॉस B गुणा करेंगे V क्रॉस B, तो V क्रॉस B खुद कैसा ऊपर की तरफ आ गया, तो ये आ गया V क्रॉस B, पर इनके बीच कोण जो है वो कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री का है, तो 90 अपन कर देंगे तो इसी में ही साइन 90 तो हो गया एक। तो यहां इस वाले केस में जो E है वो है मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो है वी बी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चालक छड़ किसी समरूप में गति करती है और उसमें अगर उसका V, उसका B और L तीनों परस्पर 90 पे होते हैं, तो तीनों के परस्पर 90 पे होने पर जो E मैक्सिमम है वो कितना, वी बी एल है, और तीनों के 90 पर होने, तीनों के 90 पर होने पर ही जो अपन रूल यूज करते हैं ना इंड्यूस कर निकालने वाले, जो पहला रूल था या दूसरा था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और जो राइट हैंड जो पाम रूल था, ये तभी हम काम में लेते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम और बाएं हाथ का रूल। सही लिखे मैंने, गलत लिख दिए, एक तो है आपका राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ये है आपका लेफ्ट हैंड पाम रूल, बाएं हाथ की हथेली का नियम और दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, ये दो हैं वो परस्पर इन तीनों के लंबवत होने की कंडीशन में एक तरह से इंड्यूस करंट की दिशा ज्ञात करने के नियम होते हैं। तो ये मोटे तौर पे आपका जो केस है वो इसी पे सारा आएगा, क्वेश्चन सारे आपके इससे बनेंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे यहां से बनाएंगे अपन लोग, तो इसको भी ढंग से आप नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट सातवां पॉइंट, तुल्य परिपथ। जैसे
मान लो कोई ये अपने पास दो कोई पटरियां हैं और ये कोई मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक बी है कागज के तल के लंबवत ऐसे, और ये कोई चालक छड़ है, ये इस पर टच किए हुए हैं, ये भी चालक हैं, ये भी इस पर टच किए हुए हैं, और इसकी लंबाई जो है मान लो एल है, बी यहां पर है समरूप, बी आपको दे रखा है समरूप दे रखा है, ठीक है जी। अब इस समरूप बी में इस चालक छड़ को अपन वी वेग से गति करवाएंगे। दूसरा एक केस अपन और ले लेते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस आर है ये छड़ की गति है, उसका परिपथ अपन इसमें लेते अपन लूप की गति लेते हैं, लूप और बी है असमरूप, इसमें अपन इसे गति करवा रहे हैं। तो मान लो यहां पर इस भाग पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, इस भाग पे अपन मान रहे हैं बी टू, और इसको अपन नियत वेग वी से गति करवा रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर ये नियत वेग से गति करवाई जा रही है। तो पहले में यदि इसको वी वेग से अपन गति करवाएंगे तो वी से गति करवाने पर देखो अब बी तल के लंबवत नीचे है और इसको गति करवाएंगे, तो मान लो इसका ये सिरा आपका P है, इसको मैं Q कर रहा हूं, जैसे इसको अपन गति करवाएंगे तो B की तरफ अंगुलियां कर दो फिक्स, गति की तरफ क्या कर दो आप हथेली का तल का लंब, तो उस केस में अंगूठा है वो इंड्यूस करंट की दिशा को शो करेगा ऐसे, तो ये इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगी। अब ऐसे में इसमें सेल बने काल्पनिक, को काल्पनिक सेल अपन ऐसे शो करें तो ये काल्पनिक सेल प्लस माइनस, ताकि तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगी ना, तो करंट जैसे इंड्यूस है उसकी दिशा को मिल जाए तो इस दिशा के आधार पे आप काल्पनिक सेल बना लो ऐसे, और सेल इस प्रकार से बनाएं कि उसके प्लस से धारा बाहर निकलती भी आपको इंड्यूस करंट की दिशा के रूप में मिल जाए। तो ये एक तरह से इंड्यूस करंट है आई, ठीक है। अब इस छड़ के सिरों के बीच जो ईएमएफ बनता है ई, वो तो कितना है वीबीएल है, क्यों है देखो आप, इसकी लंबाई इसका वी और बी तीनों परस्पर 90 पे है, वी इस तरफ है बी नीचे है, लंबाई इस तरफ है, तीनों 90 पे, तीनों 90 पे होने पर ई क्या था मैक्सिमम अपने बात की थी, अब धारा इस तरह से फ्लो करेगी ना। तो अगर ये पूछे रेजिस्टेंस, मान लो ये ए पॉइंट है इसको बी कर दूं, तो इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे ए से बी फ्लो करेगी, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो यहां आप देखो आपसे पूछे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना ई, वो तो हमारे पास है वीबीएल। यदि पूछे इसमें इंड्यूस्ड करंट कितनी आई, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर अपन लगा रखे, इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस आर दे रखा हो, तो कितना वीबीएल बाई आर हम कर देंगे। अब देखो जैसे अपन वी वेग से गति करवाएंगे, तो अब इस चालक तार पे आप देखो चालक तार एक तरह से धारावाही तार बन गया है, वो धारावाही तार बी में गति करता है, तो इस पर लगता है चुंबकीय बल लगता है, और चुंबकीय बल की दिशा निकालनी हो तो बल में ये आप नियम लगाते हो जिसमें अंगुलियां नीचे की तरफ, अंगूठा धारा की तरफ, धारा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय बल कैसा लगा, अंदर लगाना, तो यहां चुंबकीय बल जो है वो अंदर लग गया एफ एम, वो है कितना आई एल बी, क्योंकि यहां पर एल और बी आपस में 90 पे है, एल और ये आपका बी नीचे 90 पे है, तो ये मैक्सिमम फोर्स आपका आई एल बी लग रहा है। अब वी वेग से अपन गति करवा रहे हैं और चुंबकीय बल लग गया अंदर की तरफ, और इसका वेग नियत बनाए रखना है, तो वेग को नियत बनाए रखने के लिए अब चूंकि गति जैसे स्टार्ट करोगे ना, तो इसमें एक तरह से गति के ठीक उल्टा बल लग गया आई एल बी, ये जो बल है गति के ठीक विपरीत, इसको बोलते हैं मंदनकारी बल, क्या बोलेंगे इसको मंदनकारी बल। तो यहां आपसे पूछे कि मंदनकारी बल कितना है, तो वो चुंबकीय बल एफ एम है, उसका मान कितना है आई एल बी, आई एल बी है, आई का मान देखो हमारे पास है वी बी एल अपॉन आर है,
वी बी एल अपॉन आर इंटू एल बी, तो एक तरह से वी ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अगर अब देखो, अब यहां पर आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी गति को नियत बनाए रखने के लिए आवश्यक बाह्य बल कितना है, गति को नियत बनाए रखने के लिए आवश्यक बाह्य बल। तो गति को नियत बनाए रखने के लिए जितना बल लग रहा है इसमें किस तरफ बाई तरफ, उतना ही हमको एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ताकि नेट बल जीरो हो जाए और वी वेग से गति करती रहे। तो एफ एक्सटर्नल तो चुंबकीय बल के बराबर ही है और इसका मान कितना, ये आ गया इस तरह से, यानी इसको ऐसे कर दूंगा कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी, ये इसका चुंबकीय बल आ गया। अब देखो इसी से आपसे पूछे कि चुंबकीय शक्ति, जो चुंबकीय बल है उसकी शक्ति कितनी है, तो आप बाह्य बल से इसको वी वेग से गति करवा रहे हो तो कितनी आपको बाह्य बल से इसमें शक्ति देनी पड़ रही है। तो पावर पी जो हम लेते हैं, पावर जो पी है वो हम ज्ञात करते हैं, तो पावर हमारे पास है एफ एक्सटर्नल इंटू वी, तो एफ एक्सटर्नल को वी से गुणा कर देंगे तो एक वी और आ गया ना, तो एक तरह से इसको ऐसे कर दूंगा कि वी बी एल, या इसको बेटर ही रहेगा देखो कि इसको आप ऐसे लिख दो, या देखो अपन करते हैं ई स्क्वायर बाई आर, या होता है ना आई स्क्वायर इंटू आर, तो डायरेक्टली आप इसी से कर लिया इसको ई स्क्वायर बाई आर से, तो ई मेरे पास था वी बी एल, इसका स्क्वायर अपॉन आर आ गया। इतना आप बाहर से कार्य कर रहे हो, अब देखो इतना बाहर से कार्य कर रहे हैं, इस धारा कितनी फ्लो हो रही है, आई धारा आई इसमें फ्लो करेगी तो इसमें कितनी ऊष्मा की हानि होगी, तो ऊष्मा की हानि निकालनी हो ना, प्रति सेकंड कितनी इसमें हानि हो रही है, तो हानि देखो है आई स्क्वायर इंटू आर है, आई हमारे पास कितनी थी वी बी एल अपॉन आर, इसका स्क्वायर करके गुणा करेंगे तो एक आर इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो देखो वापिस उतनी वैल्यू आ गई वी बी एल, इसका स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। तो आप देखो कि बाह्य बल ने प्रति सेकंड कितना कार्य किया है, उतना ही प्रति सेकंड जूल के रूप में ऊष्मा हानि हो रही है, दोनों बराबर है। इसका मतलब आरोपित जो बाह्य आपने जो कार्य करके जो इसको गति प्रदान करी है उससे क्या हो रहा है कि प्रति सेकंड जितना अपन इसमें कार्य कर रहे हैं भाई, उतने प्रति सेकंड यहां लोस हो रहा है, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब यहां ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो ये सारी कहानी लेंस के नियम के बेस पर ही है, तो पूरा का पूरा जो ए बाई है उसमें हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है, ये भी आपका एक पॉइंट है, वो कर सकते हो। अब देखो यहां पर ग्राफ आपसे पूछे कि पावर जो है ना वो वेग पर किस प्रकार डिपेंड कर रही है, तो पी एक्सटर्नल में यदि आप यहीं से देखें इंपॉर्टेंट बात और, तो पी देखो वी स्क्वायर के समानुपाती है, एफ को देखो तो एफ कैसा वी की समानुपाती है, तो यहां ग्राफ जो पी और वी स्क्वायर में ग्राफ कैसा बनेगा, पी वर्सेस वी, तो यहां पावर इसकी वन है, ग्राफ बनेगा पैराबोला जिसमें कम पावर की तरफ इसका माउथ ओपन होता है, यहां पी और वी एफ और वी कैसे समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा फोर्स में और वी में ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बन जाएगा, ये तो करेंगे। अच्छा अब इसका अगला केस है, इस केस में कोई बड़ी बात नहीं है, बी दे रखा है, अब इसमें कंडीशन ये दे रखा है बी असमरूप है और ये कह दिया कि बी वन का मान बी टू से बड़ा है, तो इस वाले में आप चेक करोगे वेग भी समान है, बी वन बड़ा, तो इसका सेल जो बनेगा वो बड़ा ईएमएफ का बनेगा, इसका सेल छोटे का बनेगा, दोनों की पोलरिटी सेम ही आएगी। तो यहां पर पहले आप क्या करेंगे कि जो इंड्यूस करंट है वो कैसे बनेगी और फिर उसका ईएमएफ कितना बनता है, तो ये वी वेग से गति कर रही है, तो यहाँ बी नीचे है तो फिक्स हो गया, यहाँ जो काल्पनिक सेल बनेगा ना उस काल्पनिक सेल को अपन देखें, तो काल्पनिक सेल तो ये बन गया, ये प्लस माइनस, इसको मैं कर रहा हूँ ई वन, अब ये है कितना वी बी वन इंटू एल, एल इसकी लंबाई है, इसी प्रकार से यहाँ भी सेल बन गया एक, इसको मैं कर रहा हूँ ई टू, और ये वी बी टू इंटू एल। अब देखो ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो दो सेल बन गए, दो सेल किस प्रकार के अपोजिंग नेचर वाले हैं, जिसमें देखो b1 बड़ा है ना तो ये e1 बड़ा है, यहां इस वाले केस में e1 का वैल्यू e2 से बड़ा है, देखो तो यहां पे दोनों कैसे अपोजिंग केस में है। तो अब नेट परिपथ में धारा जो है ना उसकी दिशा को कौन दर्शाएगा, वो बड़े वाले सेल के अनुसार आएगी, और बड़े वाले के सेल के अनुसार आएगी, तो यदि रेजिस्टेंस में यहां कैपिटल आर मान लूं और धारा अब इसमें ऐसे फ्लो करेगी ना, तो अब इसमें आपको सारी बातें समझनी हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नेट ई नेट कितना आया, देखो वो तो ओनली ई वन माइनस का ई टू आ गया, जहां वी बी वी इंटू कितना बी वन माइनस का बी टू, और ये एल अपॉन आर आ जाएगा। यदि आपको करंट निकालनी है तो ई नेट अपॉन कितना आर कर दो हो जाएगा, अगर आपको निकालनी है पावर
तो पावर कितनी ई स्क्वायर अपॉन आर होती है, ये पन कर दें। यदि फोर्स निकालना है तो वो पावर अपॉन कितना वेलोसिटी होती है। बिल्कुल आप एक सीक्वेंस फॉलो कर लें, इनेट ये आ जाएगा, आई निकालना है, इनेट अपॉन आर आ जाएगा, तो वी आई कितनी है मेरे पास इनेट अपॉन आर, तो कितनी वी बी वन माइनस बी टू इंटू एल अपॉन कितना आ जाएगा, और पी निकालना तो ई स्क्वायर अपॉन आर, जो मेरे पास ई था इसी का स्क्वायर अपॉन आर कर देते हैं। यानी ये आपका एक तरह से वी स्क्वायर और बी वन माइनस बी टू का स्क्वायर और इंटू कितना एल स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। यदि आपको निकालना है फोर्स, अब फोर्स कौन से फोर्स, दोनों फोर्स, चाहे बाहर वाला फोर्स पूछे जो कौन सा आपका अवमंदकारी बल, दोनों हमारे पास इस तरह से आएगा और इन दोनों को अपन ऐसे निकाल लेंगे, दोनों आ जाएंगे इससे। बोलो अब ग्राफ वगैरह की बात करते हो तो ग्राफ सेम इस तरह से बन जाएंगे, तो ये भी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाने से इसको भी आप जैसे नोट कर लीजिए भाई। बढ़े आगे, मैन ईएमएफ जो है ना वो किस दिशा में है, दो सेल बन रहे हैं कि एक सेल बन रहे हैं, उनको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। देखो अब मान लो अपन बात करें इसमें इसी पे, या पहले एक टॉपिक समझ ले उसके बाद अपन इसे क्वेश्चन से वो देखेंगे। तो एक और है पॉइंट इसी में गति के वाले में, वो है चालक छड़ का समरूप बी में घूर्णन। ठीक है भाई, तो मान लो ये कोई चालक छड़ है, इसकी लंबाई L है, B है कागज के तल के लंबवत, अभी रेस्ट में है, और मान लो ये इसका पॉइंट O है, इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट P, और इसको अपन इस सिरे के प्रत्यय घुमाना शुरू करेंगे, और मान लो इसको हम लोग ओमेगा कोणीय वेग से या F आवृत्ति से घुमाना शुरू कर रहे हैं। तो जब घुमाना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में, अब आपको जैसे ही इसमें मोशन आप स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले इसमें ही देखना पड़ेगा कि और जो P है, O और जो P बिंदु है उसमें किस तरह से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी, और इसमें जो काल्पनिक सेल है उसकी ध्रुवता किस प्रकार से बनेगी। तो B तो तल के लेवल में नीचे है ना, तो नीचे कर दिया अंगुलियां कि तो फिक्स हो गया। गति की तरफ, गति इसकी इस तरफ है तो हथेली का तल भी ऊपर की तरफ आ गया, तो धारा किस तरफ फ्लो करेगी, P से Q की तरफ, और उच्च वेग का सिरा कौन सा अंगूठा होता है, ये प्लस बन गया, यानी ये तो हो गया आपका प्लस, ये बन गया माइनस। सही बात है, अब ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, इसका मतलब ये तो हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, और करंट कैसे इस तरफ फ्लो होगी, ये करंट आपकी आ गई। अब इसमें वोल्टेज कितना बनेगा उसकी बात अपन करेंगे। तो यहां आप देखो इस छड़ के हर बिंदु की रेखीय चाल बराबर नहीं है, हम अभी तक जो फॉर्मूला बनाए थे ना ई बराबर वी बी एल, वहां वी छड़ के हर बिंदु का नियत होना जरूरी था, एक समान होना जरूरी था, पर यहां तो छड़ के वेग अब समान नहीं, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो फिर तो क्या करेंगे, तो मान लो मैं यहां पर इस छड़ के यहां से मान लो एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर एक सेगमेंट ले रहा हूं, ये वो सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट है, इसकी जो लंबाई है उसको मैं ले रहा हूं डी एक्स, डी एक्स बहुत छोटा पास में है इसके, और इसकी स्पीड मान लो कितनी वी है, तो वी एक्चुअली है कितना ओमेगा इंटू एक्स, वी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर होता है ना, तो ओमेगा इंटू इसको एक्स अपन कर सकते हैं। अब देखो इस पूरी छड़, इस पूरी छड़ का वेग अपन वी मान सकते हैं, वी हमारे पास कितना ओमेगा इंटू एक्स है। अब गति होगी तो ये प्लस माइनस इस तरह से इसके सिरों के बीच में एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बन जाएगा, और वो कितना होगा तो अपन जानते हैं इक्वल टू था ना वी बी एल, ये फॉर्मूला था। अब इसको अपन सेगमेंट के रूप में ले रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी डी एक्स है, तो एल के स्थान पे तो डी एक्स कर देता हूं, और इसको डी एक्स करते ही हमारे पास ये डी हो गया, और वी के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे ओमेगा इंटू एक्स। तो देखो ये ओमेगा इंटू एक्स और ये आपका बी इंटू डी एक्स आ जाएगा, और इसको थोड़ा अरेंज कर दें तो ओमेगा इंटू बी एक्स इंटू
dx। अब मान लो आपसे पूछे कि O से P के बीच में, तो O से P में पहले ध्यान देना कि ये प्लस का ये माइनस का है, इसका इसका वोल्टेज कितना वी ओ मान लें, इसको अपन वी पी मान लें। तो अब जो नोट आप इसमें कर सकते हैं कि जो टोटल इसमें कितना आगा, टोटल जो आपका ई एम एफ ई है वो है ई बराबर देखो ओमेगा इंटू बी, और ये एक्स डी एक्स का अपन कर दें यहां पर समाकलन। अब इसमें जो छड़ है, इस छड़ की पूरे की लंबाई को अगर मान लो मैं एल कर दूं, पूरी एल इसकी लंबाई हो, तो ये जीरो से लेकर के एल अपन कर दें इसका लिमिट के रूप में मान, और ये ई वैसे है कितना, ई हमारे पास है वी नोट माइनस का वी पी है मेरा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल है तो एल स्क्वायर बाई टू आ गया, तो इसको मैं ऐसे कर दूं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया भाई। अब इस थोड़ा सा अपन कन्वर्ट करेंगे इसको, देखो तो हाफ बी ओमेगा कितना है 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर, 2 से 2 अपन कर दें कैंसिल, और कैंसिल करने बाद देखो ये हमारे पास बी, और इसको अपन कर दें एफ, और बच गया हमारे पास पाई एल स्क्वायर। अब ये पाई एल स्क्वायर है क्या, देखो पाई एल स्क्वायर एक तरह से एल इसकी लंबाई है, तो पाई एल स्क्वायर तो देखो आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल होता है ना, तो जब ये छड़ी इस प्रकार से गति करेगी और ये पूरा वर्त बनाएगी, तो उस केस में देखो यहां जब छड़ी इस प्रकार से गति करते हुए यहां एक पूरा वर्त बनाएगी, तो एक तरह से पाई एल स्क्वायर क्या है, इस छड़ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है ना, इसकी एक ओसिलेशन को पूरा करने पर इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। तो यहां जो ए है जिसको अपन पाई एल स्क्वायर कह रहे हैं, ये है क्या, ये है चालक छड़ की, आप इसको खुद लिख लेंगे, ये चालक छड़ की गति के दौरान एक वर्त पूरा करने पर इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इसमें क्वेश्चन करना हो ना, तो अगर आपको याद हो ये कि बी एफ इंटू पाई एल स्क्वायर, बी एफ इंटू पाई एल स्क्वायर, तो इसको एक्चुअली मैं इसको ऐसे कर दूंगा बी ए एफ, बी ए एफ, ए यहां पर हमारे पास क्या है इफेक्टिव एरिया है, और ये अपने आप में क्वेश्चन समझाने के लिए काफी है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि एक धागा है और उससे पने को छड़ बांध रखी है, धागा मान लो ये, तो ये तो कुछ अलग हो गया ना, मान लो इसकी लंबाई दे दी आपको 2L और इसकी लंबाई है कितनी L, तो ये धागा है और ये है चालक छड़। अब इसको अपन यहां घुमा रहे मान लो ओमेगा कोणीय वेग से, तो उस केस में और बी मैं यहां लगा दूं मान लो डॉट के रूप में, चलो डॉट के रूप भी लगा दिया, डॉट के रूप में लगाती तो बी तो कैसा, बी तो बाहर हो गया ना, गति किस तरफ है ऊपर की तरफ, बी तो बाहर की तल के लंबवत बाहर की तरफ, गति कैसा ऊपर की तरफ है, तो अब देखो अंगूठा किस तरफ है उस तरफ आ गया ना, तो मान लो इसको अपन ने ओ पॉइंट कहा, इसको मैं ए बिंदु कर दूं, इसको बी कर दूं, तो धागे में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, वो इस चालक छड़ में ही है जिसमें अंगूठा बी की तरफ गया था, इसका मतलब ये पॉइंट बन गया आपका प्लस, ये बन गया माइनस। अब इसका वोल्टेज बड़ा इसका वोल्टेज छोटा है, तो अब इसका वोल्टेज बड़ा छोटा वो है कितना, देखो अब आपसे ये पूछ जाएगा कि या तो मान लो आपसे पूछे कि इसमें, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं फर्स्ट कि वी ए माइनस का वी नोट कितना है, वी तो जीरो है, वो तो कुचालक छड़ है और गति एम आई है आपकी कुचालक छड़ में नहीं होती, तो इसका मान तो कितना जीरो आ गया। यदि आपसे पूछे इसमें दूसरा कि वी बी माइनस का वी ए, वी बी माइनस का वी ए, ये हाई पोटेंशियल पे है लो पोटेंशियल पे है, तो अब देखो जब इसकी गति होगी ना, ये जब इसकी गति होगी तो गति होने पर जो इसका इफेक्टिव एरिया जो इसने कवर किया है उसका हमें मान निकालना है एक तरह से, तो उससे अपन क्या क्वेश्चन को इजिली लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। तो यहां देखो अगर मैं इसको पूरा देखूं तो ये कुल लंबाई कितनी 2L और L 3L होगी ना, इसे पूरी गति होने पर बाहर का कुल क्षेत्रफल कितना है पाई इंटू 3L का स्क्वायर, तो 9L स्क्वायर आ गया, परंतु इसमें 2L तक तो कोई ईएमएफ है ही नहीं ना,
तो उसमें कितना एरिया बन गया है वो पाई इंटू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ इफेक्टिव एरिया इस वाले में यदि आप समझें मेनली बात एक ही, इसका इफेक्टिव एरिया कितना है वो पाई इंटू 3L का स्क्वायर माइनस कितना पाई इंटू 2L का स्क्वायर, ये 9 माइनस 4 कितना 5, तो 5 पाई L स्क्वायर इसका इफेक्टिव एरिया है। और यही अपने आप में क्वेश्चन करने के लिए पर्याप्त है। तो देखो अब इसको अपन लिखेंगे ना, ये वी बी माइनस का वी ए, इन दोनों के बीच का विभांतर वो हमारे पास एक तरह से बी ए, एक स्थान पे क्या लिख दो देखो 5 पाई एल स्क्वायर, तो बी ए इंटू एफ। अब आपको दे रखा ओमेगा, इसको बदल लो एफ को, कैसे बदलोगे इसको आप 2 पाई से गुणा कर दो, 2 पाई से भाग दे दो, तो 2 पाई से गुणा भाग करने पर हमारे पास 2 पाई इंटू एफ ये बन गया है ओमेगा, और इस पाई से पाई को उड़ा दो तो हमारे पास देखो यही फॉर्मूला बन गया 1/2 ये 5 भी है ना, 5 सॉरी ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका ओमेगा, ये पूरा ओमेगा, तो इसको अपन ऐसे कर देंगे 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये ओमेगा हो चुका है, पाई से पाई कैंसिल हो चुकी है, 5/2 यहां रह चुका है, बी है ये ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। इस तरह से आप बी को काम में लेते हुए, ओनली एरिया को ढंग से काम में लेते हुए क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब क्वेश्चन मान लो ये पूछ लिया ना ऐसे कि वी ए माइनस वी बी कितना है, तो देवताओं माइनस का आएगा, तो माइनस का 5/2 इंटू बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। यदि मैं यहां इस डॉट के स्थान पर जो बी दे रहा हूं, डॉट के स्थान पर क्रॉस के रूप में होता तो क्रॉस के रूप में आता तो ये आता माइनस ये प्लस आता है ना। अब एक बात और ध्यान दो, यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता हमसे वी बी माइनस का वी ओ, तो इसका तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो ही है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसने पूरा कितना एरिया इफेक्टिव कर रखा है, वो नहीं है साहब, चालक छड़ ने कितना एरिया कवर किया है, जो एरिया ए था ना ये ए है क्या, चालक छड़ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, ये अपन कर लेंगे, क्वेश्चन काफी सारे हो जाएंगे, बड़े आगे भी। तो देखो नेक्स्ट बात, इसमें कोई खास बात नहीं है, मेन है इसमें कि गति अपन किस प्रकार से करवा रहे हैं, बी किस तरह से है, गति इस तरह से है कि इस तरह से है, बी तल में बाहर की तरफ है कि अंदर तरफ है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉर्मूले फिक्स बन गए, एक तो है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दूसरा हो गया आपका कौन सा बी ए एफ, जिसमें ए क्या है चालक छड़ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अब इसी में देखें आप, एक अपन ले लें साइकिल के पहिए की घूर्णन गति, और साथ में एक अपन लेते हैं ताम्र चकती जनित्र, ताम्र चकती जनित्र ये अपन लेते हैं। देखो तो मान लो कोई ये साइकिल का पहिया है, ये सेंटर है और इसमें ये बहुत सारी ताड़ियां हैं, ये पहली ताड़ी मान लो, ये कोई दूसरी ताड़ी इसकी है, तीसरी ताड़ी इसकी है, चौथी है मान लो, ये पांचवीं ताड़ी है, छठी है, ये सातवीं है, इस प्रकार से मान लो ये बहुत सारी इसमें ताड़ियां हैं। जो इसकी परिधि है इसको हम मान रहे हैं एक तरह से संयुज तार, कनेक्टिंग वायर, जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो होता है। और ये ताड़ियां हैं वो सब कैसी चालक हैं, ये चालक छड़ के रूप में है। और मान लो मैंने यहां पर इस पूरे भाग में कागज के तल के लंबवत बी आरोपित कर रखा है। अब जैसे इसको मान लो घुमाएं अपन, इस पूरे सिस्टम को चालक छड़ को यदि हम क्या करें, यदि हम इस बिंदु से कर दें इसको किलकित
और इसको अपन ऐसे किसी ओमेगा कोणीय वेग से घुमाना शुरू कर दें। बी तल के लंबवत नीचे है, तो नीचे है तो है ही, अब केवल एक क्षण समझ लो आप। तो जब इसको अपन ऐसे गति कराना शुरू करेंगे, गति कैसे, बी तो नीचे है, गति ऊपर, तो देखो ये मान लो पॉइंट इसका ओ है, इसको मैं ए मान लूं, तो धारा किस तरफ, इस तरफ फ्लो करेगी, तो ये हाई वोल्टेज का एंड हो गया। तो इसके हाई वोल्टेज एंड होने पर ये तो बन गया आपका प्लस, ये बन गया आपका माइनस। अब ये जो एक सेल बन गया, इसको काल्पनिक सेल के रूप में अपन ये कर सकते हैं, ये प्लस माइनस, तो ये भी सेल बन गया प्लस माइनस, 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 ये भी सेल बन गया प्लस और माइनस। और सबके ईएमएफ कितने ई हैं, सब बराबर ईएमएफ के हैं। अब सब बराबर ईएमएफ के, ये कनेक्टिंग वायर है और ये इसका पॉइंट हो गया ओ। अब मान लो इसको अपन ए मान ले, तो अब देखो एक ये सारे कैसे हैं, जीरो रेजिस्टेंस के ना, तो ये सब पॉइंट सेम वोल्टेज पर ही हैं, ये आपका ओ है। जब इसको वापस नंबरिंग सिस्टम से बनाएंगे तो यहां सभी सेल है ना, ये वाले जितने भी सेल हैं सबके सब आपके समांतर क्रम में आ जाएंगे। अब सब समांतर क्रम में है, आपने पढ़ा था कि अगर एन सेल समांतर क्रम में हो, सारे सारे समान विद्युत वाहक बल के हो, तो नेट जो इसका आएगा ना ईएमएफ, वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर, ई एक जो इसमें ताड़ी है उसके ईएमएफ के बराबर है। और एक ताड़ी में इसकी लंबाई जो इसको अपन एल मान लें, तो एल लंबाई होने पर इसका जो एक छड़ है ना, ये इसके सिरों के बीच का ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ए बटा दो बी ओमेगा एल स्क्वायर, या इसको अपन कर दें बी ए और एफ। ए है हमारे पास इसमें गति के दौरान कितना एरिया कवर किया गया है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर दूं कि जो इसका ये सेंटर वाला है, यहां से अपन तार ले लें और एक इसकी जो परिधि है इनके बीच तार, इनको अपन जोड़ दें ऐसे, मान लो ये, मान लो पॉइंट मेरे पास है, ये बी है, तो जैसे इसको अपन लगातार गति करवाते जा रहे हैं और इसके दो सिरे परिधि और जो इसका सेंटर है या रिम और या इसका जो सेंटर है पहिए का केंद्र और जो इसकी रिम या परिधि, यदि इन दोनों को अपन चालकता से जोड़ करके और कोई रेजिस्टेंस आर जोड़ दें, तो आपसे पूछेगा कि इसमें धारा किस दिशा में है और कितनी है। तो देखो ये काल्पनिक सेल है ना, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो धारा इसमें कैसे इस तरह से फ्लो करेगी, धारा कैसे ए से बी आ गई, तो यहां जो इंड्यूस करंट है ना आई, आई जो प्रेरित धारा है वो कैसी है, वो आपकी ई अपॉन आर है। और ए से बी की तरफ दिशा इसकी अपन देखेंगे, दिशा कैसे देखो आगे, ए से बी की तरफ आ जाएगी और ई बटा आर, तो ई बटा आर में इसको अपन मान लिखा लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी आई, ई तो हमारे पास कितना है ना, ये दो ये कर दो उसको साथ, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू था इनटू रेजिस्टेंस जो अपन बाहर से जोड़े हुए कर लेंगे। इसी प्रकार देखो जो ये तांबर चकती जनित्र होता है इसकी अपन बात करते हैं, तो मान लो ये कोई डिस्क है एक, ये डिस्क है, इसकी रेडियस है मान लो आर। अब इसको तो अपन कागज के तल के लंबवत रखे हैं ऐसे, या इसको ऐसे मान लो चे कि चकती है, इस चकती को यहां ऐसे मैंने शो कर दिया आपकी तरफ, ये चकती कागज के तल में है, ये कागज के तल के लंबवत है। यहां मैं देखो इस तरह से बी लगा रहा हूं, यूं इस तरह से मैंने बी लगा दिया है, ये बी लगा दिया, और यहां मान लो इस वाले में अगर करना हो तो तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो इसको मैं डॉट के रूप में देखो ऐसे बी है वो शो कर रहा हूं, इस पूरे भाग में इस तरह का मैंने बी आरोपित कर दिया कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब देखो आपने कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, कुछ ही पढ़ा है, तो चकती को जब भी आपने पढ़ा है, या तो आपने उसको माना है कि एक वले मान ली, बहुत सी वले से मिलकर बना हुआ, या इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारी पतली पतली छड़े हैं, ऐसे कितनी अनसंख्या बन जाएंगी। अब चूंकि हमने यहां पे पहले छड़े पढ़ रखी है ना, तो किस छड़ के रूप में इसको मान लें, इसमें ये छड़ है कोई, इसके पास और छड़े हैं, तो बहुत सी छड़ बन गई, ये कोई छड़ आ गई, ये कोई छड़ आ गई, ये कोई छड़ आ गई, और इस छड़ को अपन गति करवाएंगे। मान लो मैं गति इसको इस तरह से करवा रहा हूं, एल इसकी इसकी लंबाई है, जो काल्पनिक छड़ हमारे पास है इसकी लंबाई कितनी मान लो एल, वो तो रेडियस के बराबर आ गई ना। अब बी तो बाहर की तरफ है, तो इसको गति अपन करवाएंगे, मान लो मैं इसको वेग बी मान लो यहां पर, तो जब इसकी गति स्टार्ट होगी तो बी तो बाहर की तरफ है ना, बी तो बाहर हो गया, गति किस तरफ है, ऊपर की तरफ, गति ऊपर की तरफ आ गई, थंब इस तरफ आ गया ना, इसका मतलब अंगूठे वाला सिरा
इस ऋण का अंगूठे वाला सिरा यदि इसको ओ मान लूं, इसको पी मान लूं, तो अंगूठे वाला सिरा क्या बन गया, हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये बन गया आपका लो पोटेंशियल पे, यानी इसको मैं कह दूं प्लस, ये बन गया आपका माइनस। अब जो बात अपने यहां सीखी थी, सिमिलरली यहां पर भी जो अनंत छड़े बनेगी सबकी सब समान वोल्टेज की बनेगी और सबके समान वोल्टेज में परिधि वाला हाई वोल्टेज पे, सेंटर वाला नेगेटिव वोल्टेज पे, और इनका विभवांतर जो है अपन ज्ञात करेंगे। और अगर मान लो मैं यहां पर भी एक कोई चालक तार, एक चालक तार जोड़ दूं, ऐसे मान लो यहां से इस तरह से कोई एक तार निकाल लूं बाहर और इसकी परिधि के बीच मैं जोड़ दूं इस रेजिस्टेंस को, मान लो ये वापस ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर रेजिस्टेंस है, तो आपसे यहां फिर पूछ जाएगा इसमें धारा किस तरफ होगी, कितनी होगी। तो एक छड़ जो है ना इसका, इस एक छड़ का अपन जानते हैं यहां ई जो एक छड़ है वही क्या है ई, एक तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हो इसकी जो रिम, रिम और जो इसका सेंटर है, रिम और सेंटर के बीच का विभवांतर कह सकते हो आप। और ये है कितना, देखो एक बटा दो बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल के स्थान पे इसकी त्रिज्या पर रखते हैं तो आर स्क्वायर आ गया। और रेडियस को अपन ऐसे करते हैं स्मॉल आर ले लेते हैं ताकि कैपिटल आर रेजिस्टेंस के रूप में काम आ जाए, तो बी ओमेगा ये आपका छोटा आर स्क्वायर। यदि आपको इसमें करंट देखनी हो, अब ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, काल्पनिक सेल यू बनेगा, ये प्लस और ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर बी से ए की तरफ है, उसका मान कितना है एक बटा दो बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर कर देंगे। तो इस तरह से अपन इसके क्वेश्चन संभोग कर पाएंगे। तो डायनेमिक ईएमआई में छड़ की गति के ईएमएफ कैसे बनते हैं और जो मोटे तौर पे जो साइकिल है उसका अपन रोटेशन करेंगे, तामर चक्र जनित है उसका अपन रोटेशन करेंगे, उसमें मेनली जो आपका है ना फॉर्मूले वाला सारा काम है वो अपन डिस्कस कर लिए। अब इसमें अपन करेंगे क्वेश्चंस, अब अपन कुछ एग्जांपल्स से वो करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन, किन स्थितियों में गतिज ईएमएफ शून्य होता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। देखो और शून्य होता कब है ये अपन जानते हैं कि वी बी और एल में से कोई भी दो समांतर हैं या तीनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी बी और एल में से कोई दो समांतर है या कोई तीनों समांतर है तो आपका ईएमएफ शून्य होता है। जैसे मान लो पहला एग्जांपल में रहा हूं, मान लो इस तरह से आपको बी दे दिया ऐसे ही और हमने कोई छड़ है वो रखी हुई ऐसे मान लो, और छड़ को अपन इस तरफ गति करवाए, बी भी इस तरफ है, वी भी इस तरफ है, दोनों समांतर हो गए ना, तो इस छड़ की इस तरह से गति करवाने पर इसका ईएमएफ कितना, जीरो आएगा। सेकंड, दूसरा मान लो यहां पर जैसे इसी कोई, इसी में दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं बी, यदि आपसे ये बोले ना कि अगर ये छड़ मान लो इस तरफ, देखो यहां पे तो जीरो क्यों है इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में, यहां आप देखोगे तो देखो इसमें कि V और B ये परस्पर समांतर हैं इसलिए ईएमएफ कितना जीरो आ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस छड़ को मान लो इस तरह V वेग से गति करवाता हूं, यानी इस पहले वाले में अपन ऐसे मान लें कि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ही मान लो आप, ये दूसरा है और ये छड़ मान लो V वेग से इस तरफ गति करेगी, तब आप ध्यान दो कि इस छड़ की लंबाई जो है ना दिख रही है आपको, और पहले वाले केस में आप देखो V, B और L तीनों समांतर हैं, L भी इस तरफ है, V भी इस तरफ है, V, B भी सब तीनों समांतर थे इसलिए E का मान शून्य है। अब दूसरे केस में देखो यहां पर छड़ इस तरफ गति कर रही है, B इस तरफ है, लंबाई भी इस तरफ है ना, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में इस दूसरे वाले पार्ट में आप देखो तो लंबाई इस तरफ, बी बी इस तरफ, लंबाई और बी परस्पर समांतर हैं इसलिए यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, जीरो आएगा। तीसरा केस मान लो अपन यूं कर लें, यानी अब तीसरे में इसका क्वेश्चन ले रहा हूं सेकंड, और आपको बी दे दिया इस तरह से मान लो, ये बी दे दिया और छड़ मान लो आपने रखी हुई है यूं, ये छड़ है कोई और इस छड़ को अपन मान लो वी वेग से गति करवा रहे हैं, ये बी है, अब ये इसकी लंबाई आ गई ना,
तो वेग और लंबाई तो 90 पर है, पर आप देखो B और V तो समांतर है, B और V समान दिशा में, तो इस वाले में वेलोसिटी और B परस्पर समांतर होने से EMF कितना? जीरो आ जाएगा। बात सही है। सी सी में मान लो अपन ऐसे करते हैं कि मेरे पास मान लो एक कोई चालक छड़ है, ये चालक छड़ है और बी लगा रखा है मान लो अपन ने इस तरह से कागज के तल के लंबवत, और ये छड़ मान लीजिएगा इस तरफ वी वेग से गति कर रही है। तो याद करो हमने जो इसका ई पढ़ा था वो क्या था, वी क्रॉस बी डॉट एल, इसमें एल क्या था, एल था जो इसके स्वतंत्र सिरे, मान लो इसका सिरा ये ए है और ये बी है, इस सिरे को अपन मान लो यहां ए कह देते हैं, इसको अपन बी कह देते हैं, तो जो स्वतंत्र सिरा है उनके बीच की जो आपको दिख रही है डिस्टेंस उसका था विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश है उसको अपन देखें तो यहां से इस तरफ यानी इस तरफ है ना, ये मान लो इसकी रेडियस कितनी आर है, तो एक तरह से जो एल है ना ये एल, इस एल का मान अपन लिखेंगे तो एल हमारे पास कितना टू आर आ गया, एल हमारे पास टू आर हो गया। इसको मैं मान लूं इस तरफ वेग की दिशा में या वेग के प्रति समांतर तो बात ही की है, इसको मैं आई केप कर दूं तो ध्यान दो ए से बी की तरफ इसकी लंबाई होगी, वेग भी इसका वी इस तरफ हो गया, तो इस वाले केस में यहां वाले में जो लंबाई है और वेग ये परस्पर कैसे हो गए, समांतर हो गए, और इनके परस्पर समांतर होने से भी इस गति के दौरान ईएमएफ कितना, शून्य ही आएगा। या मान लो इसी क्वेश्चन में ये कर दे, इसी क्वेश्चन में इसको सी से डी कर दूं, मान लो अपने इस तरह से अब डॉट के रूप में हो, क्रॉस के रूप में, मान लो डॉट के रूप में आपको दे रखा है बीएस इस पूरे भाग में, और मान लो मेरे पास सी को छड़ है और इस छड़ को अपन मान लीजिएगा ऐसे गति करवा रहे हैं इस तरफ वी वेग से, गति इस तरफ हो गई ना। अब ये इसके दो स्वतंत्र सिरे हैं, इनको अपन मिलाएं तो देखो इस तरफ इसकी लंबाई आ गई, नहीं ये लंबाई आ गई, मान लो इनके बीच में मैं यहां कोण से कर दूं थीटा, ये कोण कर दूं यहां पे थीटा, इस भाग की लंबाई मान लो कितनी कैपिटल एल है, इसकी लंबाई कितनी कैपिटल एल है, जो भी हो ये स्मॉल एल जो अपन लेते हैं वेक्टर फॉर्म में वो एक्चुअली अब कितनी है, देखो ये एल एल कोस और एल साइन, तो ये वैसे हो गई टू एल साइन थीटा, पर ये जे की तरफ इसको ले लूं वेक्टर फॉर्म में तो जे केप आ गया नहीं, और इसकी वेलोसिटी भी किस तरफ, इस तरफ ही है, तो यहां इसकी लंबाई और भी समांतर हो गए, समान दिशा में हो गए, तो इसके बीच सिरों के बीच का ईएमएफ कितना, जीरो आएगा। बात क्लियर। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, वहां क्वेश्चन है आपको जो रूल बताए थे मैंने उनका उपयोग करते हुए इंड्यूस्ड करंट है उसकी दिशा में को ज्ञात करनी है, या फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा सिरा है वो हाई वोल्टेज पर होगा। तो हाई वोल्टेज की सिरे की अपन ने पोजीशन है वो ज्ञात की थी किससे, बाएं हाथ के हथेली के नियम से, अंगुलियां बी की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा शो करेगा या हाई वोल्टेज के एंड को भी शो करेगा, और हथेली का तल का नॉर्मल जो है वो हमने कहा था चालक छड़ की गति को, दिशा को दर्शाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे देखो, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन बीम है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, यस माइनस आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम है और इस तरफ गति कर रही है, ये है इलेक्ट्रॉन बीम, गति इस तरफ है, और क्वेश्चन दे रखा है कि एक वो छड़ है, ऐसे ये छड़ है, इस छड़ को अपन वी वेग से पास लेके आ रहे हैं, इस छड़ को अपन वी वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन बीम की तरफ ला रहे हैं, और मान लो ये सिरा इसका पी है, इसको क्यू कर रहे हैं, तो जैसे इस वी वेग से इसको अपन पास लेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं हम लोग कि पी और क्यू में से कौन सा सिरा इसका हाई वोल्टेज पे होगा, दूसरा कि जब गति अपन स्टार्ट करेंगे तब इसमें जो आरंभिक कंडीशन में तात्क्षणिक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गति इस तरफ कर रहे हैं तो धारा तो इस तरफ आएगी ना, आई। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक मान लो धारावाही चालक तार, धारा इसमें है इस तरफ, धारा के नीचे होने पर यहां बी कैसा ऊपर की तरफ आया ना, धारा ये है, तो यहां पॉइंट है,
देखो एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ। तो यानी इस पूरे क्षेत्र में, इस रीजन में आप जो चुंबक की क्षेत्र देखने जा रहे हैं वो तो डॉट के रूप में है, देखो है ना, अब डॉट के रूप में। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसका वी 390 पर है, इसका मतलब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा और मैक्सिमम भी होगा। तो गिवन कंडीशन में अपन देखें तो देखो, अब सबसे पहला काम है डॉट यानी बी की तरफ अंगुलिया फिक्स कर दो, कर दिया। गति चालक छड़ की इस तरफ, ये भी कर दी। तो अंगूठा यहां पे क्या शो करेगा, हाई पोटेंशियल एंड के सिरे को। तो यहां हाई वोल्टेज किसका है, बिंदु पी का है, हाई वोल्टेज यहां पर किसका, बिंदु पी का है। इसलिए यहां इंड्यूस करंट है वो तो किस तरफ, जैसे इसका ये तो बन गया आपका हाई पोटेंशियल एंड, ये बन गया आपका लो पोटेंशियल एंड, और करंट किस तरफ फ्लो करेगी, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है भाई। अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखो दूसरे में अपन क्वेश्चन ले लें एक। मान लो ये कोई एक छड़ चुंबक है ये, और इसका ये पोल है एस, ये एन, छड़ चुंबक ध्यान देना, ये छड़ चुंबक है एक, इसको रखा हुआ है, ये पोल है एस और ये एन, और क्वेश्चन है, और ये कर रखा हमने एक्स एक्सिस, ये है बेटे जी वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। एक छड़ रखी है वाई एक्स के समांतर, ऐसे लगे ये छड़ रखी हुई है, इसका ये सिरा P है, इसको अपन कह रहे हैं क्यों, और इस छड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड की दिशा में, तो जेड अक्ष है ना, जेड की दिशा में इसको अपन गति करवा रहे हैं, छड़ को अपन जेड की दिशा में गति करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब इसमें P और Q में से कौन सा सिरा इसका हाई पोटेंशियल पर होगा, तो इसको अपने को समझना देगा, तो ध्यान दे भाई, ये एस और एन हो गए, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहां पहले तो आपको सबसे पहला इन सब में क्या है, यहां तक तो अपन ने बी दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने बी पहले निकाला है, तो ठीक इसी प्रकार से पहले हमको यहां पर जो चालक छड़ आपको दे रखी है जहां गति कर रही है उस रीजन में हमको बी किस दिशा में वो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो ये एस पोल है, ये एन पोल है, तो छड़ चुंबक का चुंबक की आघूर्ण कैपिटल एम इस तरफ हो गया ना, और ये जो बिंदु इसका ये वाला, ये छड़ चुंबक का निरक्ष वाला बिंदु है, और निरक्ष पे अपन जानते हैं एम के ठीक उल्टा, एम के ठीक अपोजिट इस तरफ बी हो गया, तो बी है किस तरफ, माइनस अक्ष में हो गया ना, बी किस तरफ माइनस अक्ष में हो गया भाई, बी किस तरफ माइनस अक्ष में हो गया। अब सुनो ये अक्ष एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो यहां इस बिंदु पे बी तो किस तरफ है, इस तरफ है ना बी, इस तरफ बी तो इस तरफ हो गया। अच्छा छड़ को अपन गति करवा रहे हैं इस तरफ, देखो ये एक्स वाई और जेड है, हम छड़ को 3D में है, ये 3D में छड़ ऐसे गति कर रही है, बी इस तरफ है, बस अब पहला काम बी की तरफ अंगुलियां फिक्स करनी है, गति की दिशा में अपने को हथेली का लंब करना है, तो बी किस तरफ, बी तो इस तरफ, देखो बी इस तरफ है, ठीक दिख रहा आपको, बी इस तरफ है, और हथेली का तल आपको गति की दिशा में करना है, तो ये लो ठीक है, गति इस तरफ प्लस जड़ की तरफ आएगी, गति इस तरफ हो रही है, ये आपका बी की तरफ दिशा मैंने बना ली, तो अंगूठा यहां पर किसको शो करेगा, हाई पोटेंशियल वाले सिरे को, इसका मतलब ये बन गया इसका हाई पोटेंशियल, और ये बन गया आपका लो पोटेंशियल, और लो से हाई की तरफ इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी, कर लेंगे। तो देखो अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप ढंग से समझें बस। हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका अपन और लेते हैं, सी सी में देखो इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एक छड़ रखी हुई है यूं, यूं बोले तो जेड एक्स के अलोंग रखी हुई है, और इसका ये सिरा है पी, इसको अपन कह रहे हैं क्यू,
बी आपको दे रखा है वाई एक्स की दिशा में, सही बात है। अच्छा पिस्टन की चालक पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में इंगित, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में इंगित बी में एक्स के समांतर गतिमान है, एन गति स्थिर कर रहा है, एक्स के समांतर गतिमान है, तो छड़ का पी सिरा होगा, ये सिरा किस प्रकार होगा, पी सिरा जो है वो किस तरह का है, हाई वोल्टेज का है कि लो वोल्टेज का, अपने को पता करना है। एक क्वेश्चन फिर और अपन करेंगे भाई, एक क्वेश्चन अपन इसमें और करते हैं। एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, दो क्वेश्चन करते हैं, चलो फिर देखो सबसे पहले आते हैं अपन सी वाले क्वेश्चन में। तो यहां तो आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया था, बी इस तरफ है, गति इसकी इस तरफ हो रही है, इस तरफ आपको यह है ही। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन नोट कर लें ताकि अपन तीनों साथ ही सॉल्व कर लें। इसमें कह रहा है कि तार में प्रेरित धारा चित्र अनुसार है, ये तार है कोई, इसमें इंड्यूस करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, तो बी की दिशा निकालनी है, इसमें अपने को बी की दिशा ये ज्ञात करनी है, बी किस तरह पे नीचे है ऊपर तरफ जो भी है आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है कि चालक को किस दिशा में चलाया जाए, इस चालक को अपन किस तरफ चलाएं ताकि चालक के सिरों के बीच एक ईएमएफ प्रेरित हो जाए, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बनाया भी है, देखो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये जेड और जेड डैश, किस तरफ अपन चलाएं, किस दिशा में अपन चलाएं कि एक ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाए। अच्छा कुछ बिंदु और भी लिखे हैं क्या इसमें, एन एफ हो गए, ये एम, ठीक है साहब, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो तो पहले इसमें आओ, इसमें देखो आपसे क्या पूछा है, ये छड़ है, तो देखो पहले ये इसका से मान लो एक्स वाई और जेड, छड़ को रखा है जेड एक्स के समांतर, तो छड़ियों रखी है देखो ऐसे, और एक्स में गति कर रही है इस तरफ, छड़ियों रखी है गति इस तरफ हो रही है, बी कैसा है ऊपर की तरफ, तो ध्यान दो वेग इस तरफ हो गया, बी इसका इस तरफ है, सॉरी वेग इस तरफ है, लंबाई इस तरफ है, और बी इसका इस तरफ है, तो तीनों 90 पे है ना, जब तीनों परस्पर 90 पे है इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ आपका होगा, और हम सीधे आप अपने रूल है वो लगा सकते हैं। तो ध्यान दो आप बी की तरफ अंगुलियां करनी है फिक्स येलो, और गति की दिशा में ये हो गया आपका वेग, तो अंगूठा जिस तरफ पी है वो आपका हाई वोल्टेज का सिरा है, तो आपके पूछा कि पी कैसा होगा, तो हाई तो कौन सा, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर है ना, तो ये तो है हाई वोल्टेज पी, लो वोल्टेज इसका मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल पर, यह इसको अपन बोलेंगे निम्न विभव पर है, पी सिरा कैसा होगा इसका आंसर जो अपन लेंगे, तो यहां पर पी सिरा कैसा, पी एंड किस तरह का है, तो पी आपका एक तरह से निम्न विभव पर है, या इसको अपन कहें तो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, नेगेटिव मतलब इसकी तुलना में कम विभव पर है। अब इसमें आ जाओ, गति इस तरफ है, धारा इस तरफ फ्लो हो रही है, तो देखो धारा तो ऊपर है ना, गति इस तरफ है, देख लो गति की तरफ हथेली का लंब, धारा अंगूठा की दिशा में, तो बी कैसे, कागज के तल के लंबवत नीचे, आंसर आ गया। इसमें आ जाओ, यहां कह रहा है कि हम इस छड़ को किस प्रकार से गति करवाएं ताकि छड़ में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाए, तो देखो इसमें लंबाई तो कैसी है, लंबाई तो है कागज के तल में, धारा तो आपकी अंगूठी तरफ आएगी, तो अब पहले देखो ये एक्स वाई और जेड है,
तो एक्स वाई जेड में से आपको बी तो मालूम है, एक्स वाई जेड तो पता लग गया ना। अब बी की बात करता हूं, बी तो एन से एस की तरफ होता है तो बी फिक्स हो गया, और बी फिक्स हो गया धारा इंड्यूस होगी वो छड़ की दिशा में होगी, इस तरफ या इस तरफ, तो गति किस तरफ होनी चाहिए, गति इस कंडीशन में या तो नीचे की तरफ हो या कैसा ऊपर की तरफ हो, सिर्फ ऊपर की तरफ या नीचे तभी इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, छड़ गति के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह से रखी जाएगी, ये आपका छड़ हो गया, ये बी हो गया, इसका मतलब वाई की तरफ या वाई डैश की तरफ गति हो जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। यदि अपन एक्स की तरफ गति करवाएंगे तो बी की दिशा में आ गया, समांतर हो गया, जीरो हो जाएगा। यदि हम गति करवाते हैं इस तरफ प्लस जेड में गति करवाएंगे तो जेड में तो लंबाई और उसका वेग समांतर आ जाएगा, तो ईएमएफ कितना शून्य हो जाएगा। कर लेंगे।